الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. अल्लाह ताला के इनामात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर ये उनका तज़किरा हो रहा है। हमने पीछे क्या क्या इनाम पढ़े हैं? पहला इनाम क्या पढ़ा है, कौन बताएगा आप में से? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? अल्लाह ने जो इन पर इनाम किया। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम सर, वरहमतुल्लाह। पहला इनाम अल्लाह ताला ने अपनी नियमतों का की याद दहानी करवाई थी कि अल्लाह ताला ने जो फजीलत दी है तमाम आलिम पर बनी इसराइल को दी थी, उनको चुना था और उनमें नबी मबूस फरमाया था। जी, और इसके अलावा कोई और बयान करें आप में से, और अल्लाह ने इनामात क्या बयान फरमाए? सर, मैं ये बता देती हूँ, इसमें जो है वो बनी इसराइल पर और जो इनामात अल्लाह ताला ने किए थे उसमें जिक्र किया था कि अल्लाह ताला ने फिरौन से उनको निजात दी थी और ठीक है, जो है उनके बस ठीक है, एक एक करके लिए। बयान करें, एक एक करके बयान करें। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला उनको फिरौन से निजात दी, ये बहुत बड़ा इनाम था। और क्या इनाम अल्लाह ने किया, कोई और बयान करें? सर, वो उनके बेटों को ज़बह कर देता था और औरतों को रहने देता था, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश, और अल्लाह ताला ने उनके लिए समंदर को फाड़ दिया और अपनी यानी फिरौन से निकाला। एक एक इनाम ये हुआ कि अल्लाह ने उनको फिरौन से निजात दी, और वो जो जुल्म करता था, बेटों को ज़िबा करता था, औरतों को छोड़ता था। दूसरा इनाम अल्लाह ने यहाँ देकर किया, अल्लाह ने उनके लिए समुंदर फाड़ा और समुंदर में रास्ता बना, और वो रास्ते से वो पार निकल गए, जी सर, और फिरौन और उसके साथी उसी रास्ते में गए तो वो गर्क हो गए। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या इनाम देकर किया, कोई और बयान करें जिन्होंने अब तक बयान नहीं किया? मजीद अल्लाह ने क्या इनाम किया? दो इनाम हमने और पढ़े हैं। एक इनाम अल्लाह ने देकर ये किया है कि अल्लाह ताला ने 40 दिनों का, 40 रातों का वादा दिया था मूसा अलैहि सलाम से, और हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इबादत की 40 दिन 40 रातें, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें तौरात जैसी किताब दी। उसी को फुरकान भी कहा गया है, या किताब से मुराद तौरात है, फुरकान से मुराद दीगर मोजज़ात हैं। बहरहाल तौरात को भी फुरकान कहा जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने इन्हें तौरात दी, और इससे पता लगता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, और इससे पता लगता है कि तौरात इन्हें फिरौन के गर्क होने के बाद मिली है। और फिर आखिरी नाम जो हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, वो ये पढ़ा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने गए कोहे तूर पर, तो पीछे से फिरौन की कौम जो है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, वो बिछड़े की इबादत में मुबतला हो गई। सामरी ने उनके लिए बिछड़ा बनाया जेवरात से, तो उसमें से हवा गुजरती थी तो आवाज़ पैदा होती थी गाय की, तो सामरी ने कहा कि ये हमारा माबूद है, उन्होंने उसको माबूद समझना शुरू कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम वापस आए, और वापस आकर कौम में नाराज़ हुए और कहा कि तुमने ये काम क्यों किया? तो उनसे कहा कि अब तौबा करो, और तौबा की सूरत क्या थी कि अपने आप को कत्ल करना होगा। तो उन्होंने कत्ल किया एक दूसरे को, या तो जिन्होंने तौबा, जिन्होंने बिछड़े को नहीं पूजा था एक सफ में वो खड़े हो गए, और जिन्होंने बिछड़े को पूजा था दूसरी सफ में वो खड़े हो गए। तो ना पूजने वालों ने पूजने वालों को कत्ल किया,
या फिर वो जो बिछड़े को पूजने वाले थे उन्हीं की दो सफ़े बन गई, वो एक दूसरे पर हमलावर हो गए और एक दूसरे को उन्होंने कत्ल किया। तो बहरहाल इस तरह करके अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब के यहाँ अल्लाह ने रुजू फरमाया। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। सवाल ये है कि ये कत्ल करना एक दूसरे को, तो ये तौबा है? मैंने इसका जवाब दिया था पिछले लेक्चर में, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये एक दूसरे को कत्ल करना ये बेहतर है। ये किस एतबार से तौबा है और ये कैसे बेहतर है, कौन बताएगा आप में से? सदा मतलब आखरत के अजाब से तो बेहतर है ना ये भी। जी जी ये बिल्कुल 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 ऐसे ही है। असल में आखरत का अजाब हमेशा हमेशा देखें, और ये दुनिया की सजा है। देखें दुनिया की सजा तो देखें, किसी को अल्लाह ताला दुनिया की सजा के बगैर भी माफ कर देते हैं सिर्फ जबानी, और किसी को अल्लाह दुनिया की सजा देकर माफ करते हैं। मैंने उसकी मिसालें भी दी थी उस दिन। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो है वो चोरी कर ले और वो पकड़ा जाए, तो अब उसकी तौबा कैसे होगी? वो तौबा भी करना चाहता, उसकी तौबा ऐसे होगी कि उसका हाथ कटेगा क्योंकि वो पकड़ा गया है, और वो अल्लाह के हजूर तौबा करेगा तो उसकी तौबा भी हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ उसको माफ़ी भी मिल जाएगी, लेकिन उसका हाथ भी कटेगा। हाँ, अगर वो पकड़ा ना जाए तो फिर वो अगर तौबा कर ले, लाजमी नहीं है कि वो खुद फिर उसकी तौबा तभी कबूल होगी जब वो जाकर हुकूमत के सामने, अदालत के सामने इतराफ़ करे कि मैंने चोरी की है। नहीं, अगर अल्लाह ने छुपाया है, पोशीदा रखा है उसका मामला, तो वो भी अपना मामला पोशीदा रखे, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार कर ले, तो दुनिया में भी उसकी बचत हो जाएगी। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है, पकड़ा जाता है, अब उसको किसास में कहा जाता है इसको कत्ल कर दिया जाए और वो तौबा भी करता है, तो अब इसको जवाब में कत्ल तो किया जाएगा। तो बंदा ये कहे कि ये कैसी तौबा है, ये तो कत्ल भी हो रहा है। और यही मामला यहाँ भी है, यहाँ इनकी तौबा की सूरत ये थी कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कत्ल करना ये ज़्यादा बेहतर है उनके उनके रब के यहाँ, इसलिए बेहतर था कि अल्लाह ने फरमाया था कि अगर ये तो कत्ल करेंगे दूसरे को तो फिर इनकी तौबा कबूल होगी। तो बंदा ये कहे कि ये तो सजा मिल गई उनको, ये तो तौबा ना हुई। नहीं, दुनिया की सजा तो कोई सजा नहीं है आखिरत की हमेशगी की सजा के बिलमुकाबिल, और दुनिया में तो मौत आनी ही आनी है, वो इस तरह आ जाए या बिस्तर मर्ग पे आ जाए। बहरहाल अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के फैसले हैं। तो ये उनकी तौबा की सूरत थी और ये उनके लिए उखरवी अजाब से बहुत बेहतर था। ये ऐसे बाज बोझ हैं जो उन पर डाले गए थे। अब मिसाल के तौर पर एक बोझ ये था कि जब कोई गंदगी लग जाती उनके कपड़ों वगैरह पर तो उनको उसको काटना पड़ता था। ये ऐसे बोझ थे उन पर, ऊंट हराम था, चर्बी हराम थी और इस किस्म की चीजें, हालांकि असलन ये चीजें उन पर हराम नहीं थी। ये बोझ उन पर क्यों डले थे? जी, कौन बताएगा आप में से? उन्होंने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। सर, उनकी अपनी नाफरमानियों की वजह से। जी, ये बोझ उन पर उनके गुनाहों की वजह से, उनके अपने करतूतों की वजह से। इससे पता लगता है कि कई दफा मामला अल्लाह की तरफ से आसान होते हैं, कोई अपने करतूतों की वजह से वो मामला अपने पर मुश्किल कर डालता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि आप गाय ज़बह करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए इस सूरत का नाम भी सूरतुल बकरा है, इसमें गाय का किस्सा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गाय ज़बह करें। अब आसान सा मामला था कि गाय ज़बह करते कोई भी, और वो गाय को लगाते मुर्दा के साथ,
तो वो मुर्दा बता देता कि मेरा कातिल कौन है। अब इन्होंने अपने ऊपर खुद मुश्किल डाली सवाल कर करके, इतराज कर करके। तो आपको पता है कि फिर वो गाय इनको बड़ी मुश्किल से मिली। इन्होंने कहा उसका रंग क्या हो, उसकी उम्र क्या हो, वो कैसी हो, ये पूछते गए और शराइत बढ़ती गई। और आखिरकार बड़ी मुश्किल से इन्हें वो बड़ी कीमत दे के इन्हें वो, कहा जाता है वल्लाह आलम, सोने के भाव इन्हें वो गाय मिली। और फिर इन्होंने फिर उसको ज़िबा किया। तो अपने ऊपर खुद मुश्किल डाली ना, अल्लाह माफ़ करे, बाज़ दफ़ा इंसान अपने ऊपर खुद मुश्किल डाल लेता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। यहूदियों के जुल्म की वजह से हमने उन पर बाद वो चीज़ें भी हराम कर दी जो उनके लिए हलाल की गई थी। तो हमें अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आप हम पर वो बोझ न डालें जो आपने पिछली कौमों पर डाले। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल लदीन मिन क़ब्लिना। तो हमारे दीन, दीन इस्लाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की ये भी एक खूबी है, इम्तियाज़ है कि वो जो बोझ पिछले लोगों ने अपने ऊपर डाल दिए उनके गुनाहों की वजह से, अल्लाह ने उन पर बोझ डाल दिए, अल्लाह ने हमारी शरीयत में वो बोझ उतार दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान में मौजूद है, वयदउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारते हैं उस बोझ को और तौक जो उन्होंने अपने ऊपर लाद रखे थे। अब आप देखें, मैं आपको उस बोझ और तौक की कुछ सूरतें, बाज़ मिसालें बयान करता हूँ। हम लोगों ने अपने माशरे में आप देखिए जहेज़ वगैरह और इस किस्म की चीज़ें हमने अपने ऊपर खुद बोझ डाल रखे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो असल में जो आसान दीन होता है, दीन बड़ा आसान है, तो आसान दीन पर अमल आसान होता है। हमारे यहाँ कोई औरत बेवा हो जाए, किसी औरत को तलाक हो जाए, तो आगे शादी ब्याह के मसले बड़े मुश्किल हैं। औरत छोड़े, मर्द अगर उसकी बीवी फौत हो जाए, उसकी अपनी बीवी से अलहदगी हो जाए, तो मर्द की आगे शादी करना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे बोझ है जो हमने खुद डाल रखे हैं और उसकी वजह से आप देखिए कि हमारे यहाँ कितने लोग जो हैं वो फिर शादी के बगैर रहते हैं और उसकी वजह से उन्हें मुश्किल भी होती है, दुनियावी तौर पर भी मुश्किल होती है और दीनी तौर पर भी गुनाहों का शिकार होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो दीन आसान है, अल्लाह ने आसान दीन रखा है, वो बोझ हम खुद अपने ऊपर डालते हैं, हमारे अपने करतूतों की वजह से कुछ बोझ बोझ डल जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन बोझों से बचाए। बहरहाल, तो ये वो इनामात है जिनका पीछे जिक्र हुआ। तो आगे अब हम आयत नंबर 55 आज पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मजीद इनामात जो अल्लाह ताला ने इन पर किए, अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नूमिना लका हत्ता नरा अल्लाह जहरतन फअखज़तकुमुस सा'इक़तु व अंतुम तंज़ुरून। और वइज़ कुल्तुम, और उस वक्त को याद करो जब तुमने कहा, इससे पहले उज़्कुर महज़ूफ़ होता है, उज़्कुर या उज़्कुरु अगर खिताब ज्यादा लोगों को है तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। कौन सा? कि उस वक्त को याद करो कि जब तुमने कहा था, या मूसा, ए मूसा, लन नूमिना लका, अब हरगिज नहीं ईमान लाएंगे आपके लिए, हत्ता नरल्लाह जहरतन, हत्ता कि हम अल्लाह को देख लें अलानिया, फअखदतकुमुस सा'इकतु, बस पकड़ लिया तुम्हें बिजली ने, बिजली की कड़क, व अंतुम तंजुरून, इस हाल में कि तुम देख रहे थे, तुम मबअसनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अब यहाँ क्या इनाम है, किस इनाम का तذکرہ है और ये क्या वाकया है और ये कब हुआ? सर, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम को ही तूर पे अल्लाह पाक से मिलने के लिए गए थे, तो अपने साथ जी, 40 लोग लेके गए थे। 40 लोग, 40 लोग थे, एक ग्रोह था जो 70 लोग, कि, हाँ सर सॉरी, सत्तर सत्तर लोग सत्तर लोग वाख्तार थे मूसा कौमहू 70 रजुलन लमीकातिना, सूरह आराफ में तादाद जी। तो मौजूद है उनकी, 70 लोग थे। जी वो, और वो नेक लोग थे, उनका जो ग्रोह था जो आपके साथ गए थे अल्लाह पाक से मिलने के लिए।
तूर पे, जी और फिर वहां पे जब उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप अल्लाह पाक को देखना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक ने उन्हें वक्ती तौर पर हलाक कर दिया था, और उसके बाद उन्हें दोबारा जिंदा किया। जी हज़रत मूसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि 40 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए उनको बुलाया, और फिर अल्लाह ने 10 दिन मज़ीद बढ़ा दिए, तो अल्लाह ताला ने ये कोहे तूर पर उन्हें बुलाया था। हज़रत मूसा अलैहि सलाम सहरा में थे, सहरा सीना में, असल में बहीरा कुलजम, वो समुंदर जहाँ से वो रास्ता बना था मिस्र से जब निकले, तो वहाँ से फिर वो सहराए सीना कि मिस्र और शाम के दरमियान, तो वहाँ फिर वहाँ हज़रत मूसा अलैहि सलाम को तौरात के लिए बुलाया गया कोहे तूर पर, और हज़रत मूसा अलैहि सलाम को हुक्म हुआ कि आप अपने साथ 70 लोग भी चुन लें। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने 70 लोग चुन लिए, तो ये 70 लोग जाहिर बात है, हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने ऐसे लोग चुने जो उनकी कौम में नुमाया होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे दूसरों के मुकाबले में, तो ये चुने हुए 70 लोग थे, 70 लोग थे ये, 70। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को तौरात मिली और अल्लाह से कलाम का शरफ़ हासिल हुआ, और मैंने जिक्र किया था कि ये दूसरी मरतबा कलाम का शरफ़ हासिल हुआ था। पहली मरतबा भी सैयदना मूसा अलैहि सलाम को मदीन से आते हुए जब वो मिस्र जा रहे थे, तो वहाँ भी हज़रत मूसा अलैहि सलाम को जो उन्होंने रास्ते में आग देखी थी, वो भी कोहे तूर वाला मुकाम ही था, वो यही मकाम था। और इस मरतबा भी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को दोबारा कोहे तूर पर ही बुलाया, तो कोहे तूर पर ही हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह की तरफ से तौरात मिली और साथ कलाम का शरफ भी हासिल हुआ। अल्लाह ताला ने कलाम किया हिजाब के पीछे से, मिन वराए हिजाब, तो पहली मरतबा वही में भी ये सआदत हासिल हुई थी, इस मरतबा भी तौरात भी मिली, साथ ये सआदत भी हासिल हुई। जब मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को बताया तो कौम वालों ने कहा कि उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह को ना देख लें, तो उन्होंने अल्लाह को देखने का मुतालबा ढा दिया। अब ये बहुत बड़ा मुतालबा था और बड़ी जसारत थी, बड़ी गुस्ताखी कह लीजिए, बड़ी जसारत थी। अल्लाह ने नाराज होकर, अल्लाह ने इन पर कड़क नाजिल की, बिजली, बिजली की कड़क या चीख, अल्लाह को बेहतर पता है, अल्लाह ने इन पर नाजिल की और इन सब को अल्लाह ने हिला कर दिया। यहाँ असाइका का जिक्र है, असाइका कड़क सूरह आराफ में रजफा का जिक्र है, जलजला आ गया था और ये सब हिलाक हो गए थे, सूरह आराफ में मौजूद है, वख्तार मूसा कौमहू 70 रजुल लमीकातिना, हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अपने कौम से 70 आदमी चुने हमारी मुलाकात के लिए, तो जब उन्हें जलजले ने आ दिया, यहाँ जलजले का जिक्र। बहरहाल ऊपर से कड़क होगी, नीचे से जलजला होगा, अल्लाह गजबनाक हुए वलियाज़ुबिल्लाह, तो अल्लाह ने सबको हिला कर दिया। तो जब ये सबको हिला कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम शदीद परेशान हो गए, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, क़ाल रब्बि लौ शिता अहलकतहुम मिन क़ब्ल व इय्याय, कि ऐ अल्लाह अगर आप चाहते तो आप इन्हें इससे पहले ही हिला कर देते, मैं तो इन 70 लोगों को अपनी कौम में से चुन कर लाया हूँ मेरे साथ गवाही देने के लिए, अगर ये 70 लोग मारे गए और इन पर आपका अजाब नाजिल हुआ है, तो अब मैं कौम के सामने क्या बात करूं, तो अतुहलिकुना बिमा फ़अल सुफहा मिन्ना, क्या आप हिला करेंगे हमें साथ उसके जो हम में से बाज बेवकूफ़ों ने किया। अब ये 70 लोगों ने ये बात कही या उनमें से चंद सरकर्दा लोगों ने ये बात कही, अल्लाह ने सबको हिला कर दिया, गोया के बाकी लोग भी ताइदी थे। इन ही अल्लाह फितना तुक, हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह ये आपकी आजमाइश है, तुज़िल्लु बिहा मन तशा व तहदी मन तशा, आप जिसको चाहते हैं गुमराह करते हैं, जिसको चाहते हैं हदायत देते हैं, अंत वलीयुना, आप हमारे मौला हैं, फ़ाग़फिर लना वरहमना, हमें माफ़ कर दें, हम पर रहम करें, वअंत खैरुल ग़ाफ़िरीन, और आप बेहतरीन माफ़ करने वाले। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो असल में एहसान अजीम जो अल्लाह बयान फरमा रहे, वो एहसान अजीम ये है, अल्लाह ने मौत के बाद इनको जिंदा किया। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने इन सबको नई जिंदगी दी। तुम अबासनाकुम, ये है अल्लाह का इनाम। फिर हमने तुम्हें उठा दिया, जिंदा कर दिया, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, बहुत बड़ी बात है। फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने इनको जिंदा कर दिया इनकी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है, और अल्लाह के इनाम के जवाब में शुक्र गुजार होना चाहिए बंदों को। ये जो वाक्य है सारा, मैं कोशिश करता हूँ आपको अगर मैं मैप में दिखा सकूँ, कि ये जो कोहे तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दो दफ़ा, जैसे मैंने जिक्र किया, कलाम को शरफ हासिल हुआ, और दोनों दफ़ा ये कोहे तूर पे हुआ है। कोहे तूर एक अफजल तरीन पहाड़ है, तो कुरान करीम में अल्लाह ने इसी कसम भी उठाई है, वो तूर, कसम है तूर पहाड़ की। और इसी तरह वो तीन व जैतूनी व तूर सीनीन, तूर सीना की अल्लाह ने कसम उठाई है सूरह तीन में। व शजरतन तखरुजु मिन तूर सीना तंबुतु, कुरान करीम में कई जगह जिक्र है इस बाबरकत इस अजीम पहाड़ का। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की दाई जानिब अल्लाह से कलाम का शरफ हासिल हुआ। वनादैनाहु मिन जानिब तूर अल-अयमन, हमने पुकारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ की दाई जानिब। वक़र्रबनाहु नजिया, और हमने उनको करीब कर दिया सरगोशी करते हुए। ये देखिए ये मैप है, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर, देखें इसमें ये है सहरा सीना कह लें या मैदान तीह कह लें, असल में मिस्र से ये लोग, ये मदीन है, ठीक है। मिस्र देखिए, मिस्र किधर है? मिस्र ये है, मैं प्रोजेक्टर चला दूँ, एक मिनट मुझे उतार दो। ये मिस्र तो ये देखिए, ये मदीन है, ये सहराए सीना है, और मिस्र देखिए, मिस्र ये है। अब सैयदना मूसा अलैहि सलाम को मैंने जिक्र किया आपके सामने, कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम को दो दफ़ा कलाम का शरफ हासिल हुआ है, दो दफ़ा कलाम का शरफ हासिल हुआ। एक दफ़ा, जब पहली दफ़ा वो मदियन से, वहाँ उन्होंने शादी की मदियन में, 10 साल खिदमत की, और फिर जब मदियन से मिस्र जा रहे थे, ये मदियन है, गोया कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ये रास्ता इख्तियार किया, ये मदियन से मिस्र जाने के लिए। तो ये जब मदियन से मिस्र जा रहे थे, तो रास्ते देखिए, ये तूर पहाड़ है, हौरब, ये तूर लिखा हुआ है, तो ये तूर से गुजरे हैं। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजर आया था, आग नजर आई थी, जो असल में नूर था। और फिर हज़रत मूसा को अल्लाह ने नबी बनाया, हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हज़रत हारून को भी नबी बना दें, और वो लंबा मुकालमा है सूरह ताहा में और मौजूद है कई जगह पर कुरान में। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र गए, और मिस्र जाकर उन्होंने फिरौन को तबलीग की अल्लाह के हुक्म से। अब मिस्र में लंबा अरसा रहे, फिरौन को दावा देते रहे, फिरौन आले फिरौन को वो लोग नहीं ईमान न लाए। तो अब फिर मिस्र से देखिए, आप समझिए कि यहां से ये है वो जगह, जहां से जहां दरमियान में समुन्दर आ गया या बुहेरा आ गया और रास्ता बना,
यहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले हैं अपनी कौम को। 6 लाख लोग थे, अल्लाह को पता है बेहतर कितने लोग थे। कहा जाता है 6 लाख लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले थे फिरौन के चुंगल से निजात देने के लिए। और रास्ते में समुंदर या दरिया या समुंदर का हिस्सा वो आ गया था। तो यहाँ से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ रास्ता बन गया था, तो वो सब लोग पार लग गए और फिरौन उसके साथी गर्क हो गए। यहाँ से ये फिर इधर आए हैं, ये सहराए सीना है। और यहाँ इन्होंने जाना था किधर, इन्होंने आगे जाना था फलस्तीन की तरफ। देखिए फलस्तीन किधर है, ये उर्दन, ये और इस साइड पे इन्होंने आना था। यहाँ से होके इन्होंने यहाँ जाना था, ठीक है। तो अब ये रास्ते फिर इन्होंने वो बस्ती वादी मुकद्दस में दाखिल होने से इनकार किया, तो फिर ये सहराए सीना में भटकते रहे। तो सहराए सीना के अंदर ही आगे हम पढ़ते हैं, मन व सलवा भी नाजिल हुआ और बादलों का साया भी इन पर हुआ। और यहीं से दोबारा हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने बुलाया कोहे तूर पर। कोहे तूर ये साथ है, तो दोबारा कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहि सलाम गए 70 लोगों को साथ लेकर गए। हज़रत मूसा अलैहि सलाम पहले पहुंच गए, सूरह ताहा में मौजूद है। अल्लाह ने पूछा वो मा अजलक अन कौमिक या मूसा, हे मूसा आप अपने आपके साथ लोग हैं उन लोगों से पहले आप पहले क्यों पहुंच गए हैं। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया कालहुम उलाई अला असरी वाजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, ऐ अल्लाह वो मेरे पीछे पीछे हैं, मेरे कदमों के निशान पर वो भी आ रहे हैं, मैं जल्दी इसलिए आया हूँ ताकि आप राजी हो जाएं। इससे पता लगता है वाजिल तो इलाही का रब मिली तरवा, मैंने जल्दी की है आपकी तरफ है मेरे रब ताकि आप राजी हो जाए। पता लगा नेकी के काम में जल्दी करनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना शौक और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए कि वो अपने कौम कौम साथ है, 70 लोग साथ हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गोया के वो उन उनसे भी पहले आगे पहुंचे कोहे तूर पे और अल्लाह से शर्फ़ कलाम हासिल हुआ और तौरात मिली। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को दिखाई, उन लोगों ने कहा कि हम कैसे माने कि आपको अल्लाह से शर्फ़ कलाम हासिल हुआ है, आपको तौरात अल्लाह ने दी है, तो हम तो तब मानेंगे, आपको तो शर्फ़ कलाम हासिल हुआ, आपने तो अल्लाह की निशानी देख ली, हमें तो अल्लाह की निशानी का तब पता लगेगा जब हम अल्लाह को देखेंगे। और ये बहुत बड़ी जसारत थी, बहुत बड़ी जसारत थी, बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। कैसे मैं ये भी जिक्र करता हूँ, अल्लाह ने उन्हें सबको हिला कर दिया, बिजली भेजकर और जलजला भेजकर, और वो सब हिलाक हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ने उनको सबको जिंदा किया। तो ये है अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह जो अपने बड़े बड़े एहसानात याद दिला रहे हैं। एक मिनट बेटा जी, राशिद साहब क्या सवाल है आपको? अलैकुम। ये मतलब जब मदियन से वाले जा रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब नबी बने वो, जब जी उन्होंने कहा कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दें, तो जी क्या तब हारून अलैहिस्सलाम उनके साथ थे? तब हजरत हारून के साथ होने का जिक्र नहीं मिलता। मतलब तब वो हारून अलैहिस्सलाम मदियन थे या मिस्र थे या कहाँ पे थे, मतलब इस तरह के कोई कहीं वो तो पे महसूस तस्करा यही हमने होता है कि सही वो नहीं। मिस्र थे, ऐसा ही महसूस होता है, उस वक्त तो वो मिस्र में थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने अपने घर वालों को लेकर आ रहे थे। जी फलम्मा बिल्कुल, कदा मूसा अजला वसार बि अहलिही आनस मिन जानिब तूरी नारा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत मुकम्मल की 8 साल या 10 साल, तो हजरत इब्न अब्बास वगैरह मुफस्सिरीन का कहना है 10 साल मुद्दत मुकम्मल की। जब मुद्दत मुकम्मल की सूरह कसस में है वसार बि अहलिही अपने घर वालों को लेकर चले आनस मिन जानिब तूरी नारा, तो कोहे तूर के पास उन्होंने आग महसूस की। तो ये देखिए ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मदीन से निकले हैं, ये इन्होंने मैप दिया है कि गोया कि इस रस्ते से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो गए हैं मिस्र, जी जी ठीक है। तो यहाँ दरमियान में तूर है, तो यहाँ पहली मरतबा वही हुई, अल्लाह से कलाम को शरफ हासिल हुआ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी हज़रत मूसा की दुआ की वजह से बनाया गया। तो फिर दोनों फिरौन के पास गए थे, और जब फिरौन के चुंगल से निजात मिली है बनी इसराइल को, तब हज़रत हारून साथ ही थे, तब ये वापस आए हैं। और वापस आकर फिर ये सहराए सीना में थे, तो यहाँ फिर दोबारा कोहे तूर पे अल्लाह ने बुलाया। ये जो 30 दिन का वादा किया, बाद में 10 दिन अल्लाह ने बढ़ा दिए और 70 लोग साथ थे। क्लियर है बात? अब
जी बेटा जी जी आपको बस क्या, यही डाउट था कि वो उस वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ थे या नहीं जब उन्हें उसका जिक्र नहीं जजाकुम है अल्लाह ना खैर। कुरान करीम में, तो महसूस होता था हारून उस वक्त मिस्र में ही थे, अल्लाह आलम। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने। जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं जिक्र कर रहा हूँ कि लोगों ने कहा कि हमने अल्लाह को देखना है, तो अल्लाह नाराज हुए, और अल्लाह ताला ने नाराज होकर क्या किया, अल्लाह ने उनको उन पर बिजली कड़क नाजिल कर दी। तो सवाल हुआ है कि ये तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने भी मुतालबा किया था, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहि सलाम का देखना ये नहीं था कि हम ईमान ही तब लाएंगे अगर अल्लाह हमें नजर आएंगे, तो जरा ठीक है ठीक मुतालबे में फर्क था। है। हजरत मूसा अलैहि सलाम का यानी उन्होंने देखा अल्लाह मेहरबान है, बहुत ज्यादा अल्लाह ने कलाम का शरफ बख्शा, और ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत है। आज समझिए वही की अफजल तरीन सूरत ये है कि अल्लाह किसी को, वही की तीन सूरतें कुरान कहता है। वो तीन सूरतें क्या हैं कि एक वही जिसको आप कहें कि ख्वाब में या इल्का और इल्हाम की सूरत है, दूसरी सूरत है कि मिन वराए हिजाब, और तीसरी सूरत है कि अल्लाह फरिश्ता भेजे और फरिश्ते के जरिए अल्लाह वही करें। कि तीन सूरतें वही की किसी भी बशर के साथ, चौथी सूरत नहीं है। या तो ख्वाब या इल्का या इल्हाम हो सकता है, या फिर फरिश्ते के वास्ते से वही होगी, या फिर मिन वराए हिजाब, हिजाब के पीछे से अल्लाह की आवाज़ आएगी। ये तीन सूरतें हैं, इन अल्लाह ताला ने हसर के साथ वही की तीन सूरतों को बयान किया है, नबी के साथ बशर के साथ, ये तीन सूरतें हो सकती हैं। और इनमें से अफसल तरीन सूरत वो मिन वराए हिजाब वाली वही है, जो सैयदना मूसा अलैहि सलाम को शर्फ कलाम हासिल, शर्फ तकल्लुम हासिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा में तीसरे पारे में, तिलका रसूल फ़ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल है हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। फजीलत की एक सूरत ये थी कि वो रसूल भी हैं कि जिनको अल्लाह ने कलाम का शरफ बख्शा। ये सबसे पहले अल्लाह ने फजीलत बयान की है रसूलों में तफाजुल की, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को ये शरफ हासिल हुआ। अल्लाह ने दुनिया में उनसे कलाम किया पर्दे के पीछे से, और दोनों दो दफा कोहे तूर पर ही, दोनों मरतबा ये हजरत मूसा अलैहि सलाम को शरफ हासिल हुआ। कोहे तूर की फजीलत भी पता लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये शरफ हासिल हुआ है, लेकिन ये मेराज के मौके पर हासिल हुआ है, आसमानों पर, मेराज के मौके पर। हजरत मूसा अलैहि सलाम का मुतालबा वो ये नहीं था कि मैं नहीं मानूंगा, उन्होंने जब देखा अल्लाह ने इतना बड़ा करम किया है दोबारा कि अल्लाह ने कलाम का शरफ बख्शा है, तो उन्होंने कहा अल्लाह मुझे अपने आप भी दिखा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया मूसा आप देख नहीं सकते। अच्छा, हजरत मूसा का मुतालबा इस तरह का नहीं था कि अगर दिखाएंगे तो ये, नहीं दिखाएंगे तो ये, इस तरह का नहीं। कौम वालों ने कहा कि हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को देख लें। तो गोया के बनी इसराइल का मुतालबा वो इस तरह का था कि उन्होंने कहा हमने भी अल्लाह को देखना है, गोया के जब अल्लाह को नहीं देखेंगे तो हम ईमान नहीं लाएंगे, उन्होंने मुंह से कहा। तो ये बड़ा अजीब अंदाज है। दूसरी बात ये है कि हजरत मूसा का मुतालबा करना और कौम का मुतालबा करना दोनों में बड़ा फर्क है। हजरत मूसा अल्लाह के जलील उल कदर पैगम्बर हैं, और बनी इसराइल वाले वो पैगम्बर नहीं है, वो आम लोग हैं। अल्लाह ताला से बाज दफा पैगम्बर कोई ऐसा मुतालबा कर देता है, अल्लाह पैगम्बर से वो मुतालबा मान लेते हैं और पैगंबर का वो मुतालबा कबूल कर लेते हैं, अगर वही मुतालबा आम शख्स करे तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं। तो बनी इसराइल का मुतालबा वो आम लोगों का मुतालबा है। हजरत मूसा अलैहि सलाम का मुतालबा, हजरत मूसा अलैहि सलाम का मुतालबा वो सैयदना मूसा अलैहि सलाम है। बंदे बंदे का फर्क होता है। देखिए इसको दुनिया में अगर मिसाल समझे, बाज दफा बादशाह या किसी किसी शख्स के करीबी कोई शख्स बाज दफा वो उससे ऐसा मुतालबा कर लेता है जो दूसरा करे तो बाज दफा उसको डांट पड़ जाती है, लेकिन बहुत करीबी शख्स को कई दफा डांट नहीं पड़ती। तो बंदे बंदे का फर्क होता है। सैयदना मूसा अलैहि सलाम मूसा कलीमुल्लाह हैं, उनका मुतालबा करना अलग है और कौम वालों का मुतालबा करना अलग है।
सर इसके वो आ जी सकती है इसके रिलेटेड एग्जांपल के, जिस तरह हजरत जी इब्राहिम ने भी किया था जी उनका। बिल्कुल, मैं आगे हज़रत इब्राहिम की बात ही करने लगा था तो आपने उसको जिक्र जी किया। जी बिल्कुल, हज़रत इब्राहिम की मिसाल है इसके बिलमुकाबिल। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला आप मुझे दिखाइए आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से ये दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया, क्या क्या ईमान नहीं है? हज़रत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह ईमान है, इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ। वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयी अल मौता क़ाला अवलम तुमिन काला बला वलाकिन लियतमईन्न कल्बी। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ईमान पूरा है, मज़ीद इत्मीनान हो जाएगा, मज़ीद ईमान मजबूत हो जाएगा, मज़ीद इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाएगा। अल्लाह ने दिखा दिए। यही मुतालबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने किया। हज़रत ईसा के हवारी भी कोई आम लोग नहीं, ये लोग भी ये चुने हुए लोग हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुना था इन लोगों को, 70 लोगों को। बनी इसराइल के हज़रत ईसा के हवारी, उन्होंने मुतालबा किया कि ए अल्लाह ताला, उन्होंने हज़रत ईसा से कहा, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पर माईदा नाजिल करें, दस्तरखान नाजिल करें। हज़रत मूसा हज़रत ईसा ने कहा कि अल्लाह से डरो, तुम अल्लाह से क्या मुतालबा कर रहे हो? قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम उससे खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाए। वतत्मईन्न قُلُوبُنَا, उन्होंने कहा हम इत्मीनान कल्ब चाहते हैं। इत्मीनान कल्ब हज़रत इब्राहिम भी चाहते थे, इत्मीनान कल्ब हज़रत ईसा के हवारी भी चाहते थे। हज़रत ईसा के हवारियों ने जब ये मुतालबा किया हज़रत ईसा से, आप अल्लाह से दुआ करें, पहले हज़रत ईसा नाराज़ हुए उनसे, फिर हवारियों के इसरार करने पर हज़रत ईसा ने अल्लाह से दुआ की, सूरह माईदा में मौजूद है। के हज़रत ईसा ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना मा'इदतन मिनस समा तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरीना व आयतन मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। जब हज़रत मूसा ने दुआ की हवारियों के इसरार करने पर, तो अल्लाह ने बड़ी बड़ी तंबीह फरमाई और अल्लाह ने फरमाया, क़ाला अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं तुम पर यह नाजिल तो कर दूंगा, फमन यकफुर बादु मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबल ला उअज़्ज़िबुहु अहदा मिनल आलमीन। अगर तुम में से किसी ने इनकार किया तो ऐसा अजाब दूंगा कि ऐसा अजाब फिर मैंने कभी किसी को नहीं दिया होगा, इबरत का निशान बना दूंगा। बड़ी सख्त किस्म की डांट आई अल्लाह की तरफ से। और राजे बात यही है कि वो माईदा वो दस्तरखान नाजिल नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दोबारा ये मुतालबा नहीं किया क्योंकि तंबी बड़ी सख्त हुई थी हवारियों की। तो यहाँ भी ये हिफ्स मरातिब का फ़र्क है। हज़रत इब्राहिम का मुतालबा करना, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, वो दूसरे लोग हैं। असल में हिफ्स मरातिब है, नबियों और रसूलों को अल्लाह उनके बाद वो मुतालबे पूरे कर देते हैं जो आम लोग मुतालबे करें तो बाज़ दफ़ा उनको डांट पड़ जाती है। तो और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वकदालिक नूरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल अर्ध वली यकून मिनल मुकिनीन। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान ज़मीन की मलकूत दिखाई, आसमानों ज़मीन की बड़ी बड़ी निशानियाँ किसको दिखाई? हज़रत इब्राहिम को अलैहिस्सलाम। वली यकून मिनल मुकिनीन क्यों दिखाई? ताकि उनका ईमान और यकीन बढ़ जाए, ताकि वो यकीन वाले हो जाएँ। और अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें मेराज करवाया। आज कोई बंदा मुतालबा करे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझे भी मेराज करवाएं, या कोई पहले मुतालबा करता कोई आम बंदा, तो आप क्या ख्याल है? ये ऐसी बात है जिस पर अल्लाह की तरफ से तंबीह नाजिल होती। तो नबियों के साथ अल्लाह के खास मामलात हैं, नबियों के साथ अल्लाह के मामलात को आम लोग कयास नहीं कर सकते, नबियों के मौजजात को आम लोगों पर कयास नहीं किया जा सकता। तो असल में हिफ्स मरातिब है। और ये चीज आपको पुराने करीम में और मिसालें भी मिल जाएंगी। जी लेकिन हवाई भी चलते के हमारे बेटा, वो भी इत्मीनान कल्ब चाहते थे, लेकिन अब हर बंदा कहे जी मैं इत्मीनान कल्ब चाहता हूँ, जब तक ये बात पूरी ना हो, अगर हर बंदा ही उठ के कहना शुरू कर दे कि मुझे अल्लाह फलाह मौजा दिखाएगा तो फिर मेरा दिल मुतमईन होगा, अगर हर बंदा ये मुतालबा ढा दे तो क्या ख्याल है? अल्लाह की तरफ से नाराजगी नाजिल होगी। ये सोचते ये बस अल्लाह तो मुर्दों की जिंदा क्या कैसे कैसे करेगा। हाँ, मैं अल्लाह का मुर्दों को जिंदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को ना देख लें, तो अल्लाह को देखना
और अल्लाह को देखने का मुतालबा करना ये बहुत बड़ी जसारत थी उन हजरत मूसा के साथियों की तरफ से। ये इतनी बड़ी जसारत है कि अगर कोई बंदा नबी होने का दावा करे ना, नबी होने का दावा करना ये छोटी चीज है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कोई बंदा नबी होने का दावा करे। लेकिन अगर एक बंदा ये कहे कि मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक मैं अल्लाह को ना देख लूं, तो अल्लाह को देखने का दावा करना ये आप समझिए कि नबुवत के दावे से बड़ा दावा है। सैयदना इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह उन्होंने इस मसले को तफसील से बयान किया। वो कहते हैं कोई शख्स अगर ये दावा करे मैंने अल्लाह को देखा है, उसका ये दावा ये नबुवत के दावे से यानी मुझ पर वही नाजिल होती है इस दावे से बड़ा दावा है। और वो इसकी दलील कहाँ से लेते हैं? एक तो ये आयत करीमा है, वैसे वो इसकी दलील बयान करते हैं छठे पारे में अल्लाह ताला का ये फरमान, यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज्जिल अलैहिम किताबा मिनस समा, सूरह निसा आयत नंबर 153 है। अहले किताब आपसे सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप उनके ऊपर एक किताब नाजिल करें आसमान से। फकद सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका, उन्होंने अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कुफार आपसे मुतालबा कर रहे थे ना अहले किताब, असल में अहले किताब ने क्या कहा? अहले किताब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजिज़ करने के लिए, चुप कराने के लिए उन्होंने बड़ी अकलमंदी करते हुए अपनी तरफ से बड़ी जहानत का इस्तेमाल करते हुए अपने तई उन्होंने ये मुतालबा ढा दिया। उन्होंने कहा हम उस वक्त तक आपको अल्लाह के नबी नहीं मानेंगे जब तक आप हम पर भी किताब नाजिल ना करें। आप कहते हैं आप पर कुरान नाजिल हुआ, हम कुरान को अल्लाह, हालांकि वो कुरान को इस तरह पहचानते थे जिस तरह अपने बेटों को पहचानते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के बारे में उन्हें यकीन था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी सच्चे रसूल हैं, लेकिन वो हसद में आ गए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने फिर ऐसे मुतालबे करना शुरू कर दिए कि वो असल में कोई ये नहीं था कि वो अगर मुतालबा पूरा हो जाएगा तो हम ईमान ले आएंगे, वो बस मजाक उड़ाने के लिए और तंग करने के लिए असल में मुतालबे। उन मुतालबों में से एक मुतालबा ये था कि हम आप पर तब ईमान लाएंगे जब आप हम पर भी कोई किताब नाजिल करें, यानी आप अल्लाह ताला से दुआ करें या अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला हम पर भी ये किताब नाजिल करें कुरान की तरह, कि अगर हम पर भी ये किताब नाजिल हो गई तो फिर हम आपके नबी होने पर और कुरान के अल्लाह की किताब होने पर ईमान ले आएंगे। तो कितना ये यानी जसारत थी और कितना ये गुस्ताखी वाला मुतालबा था अहले किताब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तसल्ली रखें, ये इतने बदबخت लोग हैं कि ये मुतालबा ये सिर्फ आपसे नहीं कर रहे, इन्होंने अपने नबी से तो इससे भी बड़ा मुतालबा किया था। फकद सालू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, हज़रत मूसा अलैहि सलाम से इन्होंने इससे बड़ा मुतालबा किया था। वो क्या मुतालबा था? इन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह दिखाइए अलानिया, फअखदतहुम अस्साइकतु बिज़ुल्मिहिम, तो इनको बिजली की कड़क ने आ लिया इनके जुल्म की वजह, ये जुल्म था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी जसारत थी इनकी, ये इनकी बहुत बड़ी ज्यादती थी और बहुत बड़ी गुस्ताखी थी इनकी। सैयदना मूसा अलैहि सलाम का मुतालबा अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे वो इस अंदाज का नहीं था। और वैसे मैंने जिक्र किया कि नबी का और कौम का फर्क होता है, हिफ्स मरातिब है शरीयत में। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने उन्होंने हज़रत मूसा से इससे भी बड़ा मुतालबा किया था। तो इससे पता लगा कि कोई बंदा अगर ये दावा करे मुझ पर आसमान से किताब उतरती है या मुझ पर वही उतरती है, और कोई शख्स ये दावा करे कि अल्लाह ने मुझसे कलाम किया है, तो कौन सा मुतालबा ज्यादा बड़ा है? या कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह ने मैंने अल्लाह को देखा है, तो अल्लाह को देखने का मुतालबा का दावा ज्यादा बड़ा है और ज्यादा जसारत है कि वही होने का दावा और नबी होने का दावा ये ज्यादा बड़ी जसारत है? ये आयत करीमा से पता लगता है अल्लाह को देखने का दावा करना ये ज्यादा बड़ी जसारत है। फकत सालू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, समझ आ रही कि नहीं आ रही इस आयत करीमा से? जी सर, जी। और मैंने थोड़ा सा इस मसले को थोड़ा सा इसलिए भी सर वजाहत आपके आपके सामने इसलिए भी वजाहत थोड़ी सी की है, ये ना अल्लाह को देखने अल्लाह ताला के दीदार का मसला, ये मसला ना बड़ा
अल्लाह की अजमत और अल्लाह के जलाल का मसला है। और हम इस मसले को ना बाज़ दफ़ा बड़े आम अंदाज से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं दलाइल के बगैर। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा, फ़लाँ ने अल्लाह को देखा। और ये अल्लाह ताला को देखना और देखने का मुतालबा करना, ये कितनी बड़ी जसारत है और कितना बड़ा मामला है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है। सही बुखारी सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए तुम्हारे सवाल को सुनकर, तुम कितने आम अंदाज से तुम ये सवाल कर रहे हो। इन्हें अल्लाह को देखने की बात करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार की बात करना, ये इतनी छोटी और इतनी हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात के लिए हज़रत आयशा ने फरमाया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए अल्लाह के खौफ से। इसके लिए बड़े दलाइल चाहिए। अगर कोई दलाइल इसके मौजूद हैं तो फिर इस मौजू पर बात करनी चाहिए। अगर इसके दलाइल मौजूद नहीं है, और इसके दलाइल नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को दुनिया में नहीं देखा, हज़रत मूसा ने भी नहीं देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं देखा, इसके बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। और कोई शख्स भी दुनिया में अल्लाह को नहीं देख सकता। सही हदीस मुबारक है कि इन्नकुम लन तरौ रब्बकुम हत्ता तमूतू, तुम अपने रब को नहीं देख सकते हत्ता के तुम मर जाओ। मरने से पहले कोई शख्स अल्लाह को नहीं देख सकता, चाहे नबी ही क्यों ना हो। तो दुनिया में अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं है। ये एक अलग मौजू है। इस पर इंशाल्लाह सूरह नजम वगैरह में, या जब वो आएगा मकाम, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। सूरह इसरा के शुरू में मेराज इसरा का जहाँ जिक्र है वहाँ भी, तो इंशाल्लाह तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस मौजू में नहीं जाता। दुनिया में अल्लाह को देखना ये एक अलग मामला है, और आखिरत में अल्लाह को देखना एक अलग मामला है। आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा, नबियों को भी होगा, वलियों को भी होगा, नेक लोगों को भी होगा। जन्नत में अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। दुनिया में अल्लाह को देखने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार का मसला, ये दावा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है, हज़रत मूसा ने देखा है, फलाह ने देखा है, तो इस दावे के लिए दलाइल चाहिए। ये कोई छोटा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है, और इसके लिए दलाइल चाहिए। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह में मौजूद है, जो बंदा ये दावा करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है यानी दुनिया में, फ़कत आज़म अलल्लाहिल फिरिया, उसने अल्लाह पे बहुत बड़ा झूठ बांधा है, कि अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ है, ये इफ्तिरा अलल्लाह है, इसके कोई दलाइल मौजूद नहीं है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये फरमान है। तो बहरहाल ये मुतालबा किया बनी इसराइल ने के ए अल्लाह हम आपको देखना चाहते, हज़रत मूसा से मुतालबा किया कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, अगर अल्लाह को देखेंगे तो हम ईमान लाएंगे कि आपको अल्लाह ने तौरात दी है और अल्लाह ने आपसे कलाम किया है। तो अल्लाह ने नाराज़ होकर उन सब पर कड़क नाजिल की और सबको अल्लाह ने हिला कर दिया। तुम देख रहे थे क्या मुराद है, अगले लोगों पर कड़क गिरी बिजली, पिछले लोग देख रहे थे और फिर वो पिछले लोगों पर भी गिरी, तो देखा देखी वो सब हिलाक हो गए। और फिर अल्लाह का इनाम अजीम क्या है, एहसान अजीम क्या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने फिर इन सबको दोबारा जिंदा भी कर दिया। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। तो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया बनी इसराइल पर, कि अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया। और मरने के बाद जिंदा करना ये अल्लाह का बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत बड़ा कमाल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह मरने के बाद सब लोगों को जिंदा करेंगे क्यामत के दिन हिसाबो किताब के लिए। सूरह बकरा में अल्लाह ने बास बादल मौत की 5 मिसालें पेश की हैं। बास बादल मौत के बहुत सारे दलाइल हैं कुरान और हदीस में कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा कर सकते हैं, इसके बहुत सारे दलाइल हैं। और जो बंदा मरने के बाद की ज़िंदगी का इनकार करता है, वह दर हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकज़ीब करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरतों का इनकार करता है। अल्लाह ने बहुत सारे दलाइल पेश किए हैं और अल्लाह ने चंद मिसालें भी पेश की हैं कुरान करीम में। अल्लाह ने बकायदा अमलन मुर्दा लोगों को जिंदा करके दिखाया है। सिर्फ सूरह बकरा में 5 मिसालें अल्लाह ने पेश की हैं इसकी, कि अल्लाह ने बकायदा दिखाया कि अल्लाह कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं। और उनमें से पहली मिसाल ये है। सूरह बकरा में मजीद 4 मिसालें हैं, वो आपने तलाश करके लानी है, कल मैं आपसे सुनूंगा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने 5 कौन सी मिसालें पेश की हैं कि
जिसमें अल्लाह ताला ने दिखाया कि अल्लाह ताला कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं। दलाइल बहुत सारे हैं कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगह वो दलाइल पेश किए हैं, अल्लाह ने मिसालें पेश की हैं, बाकायदा अल्लाह ताला ने दिखाया है मुर्दों को जिंदा करके। वैसे तो हम रोजाना रात सोते हैं फिर जागते हैं, ये भी असल में हम मर जाते हैं फिर जिंदा होते हैं, ये भी कुरान में दलील मौजूद है। अल्लाह ने जो मिसालें पेश की उन मिसालों में से सूरह बकरा में सिर्फ सूरह बकरा में 5 मिसालें। पहली मिसाल ये है, मजीद 4 मिसालें आपने तलाश करनी हैं, कल इस पर डिस्कस होगा इंशाअल्लाह और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।